उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अहम मुद्दा है। करीब हर सरकारी भर्ती का विवाद में आना आम बात हो गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ एक तरफ बिहार के आधे दर्जन से ज्यादा जगहों पर उग्र प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के कमरों में घुसकर उन्हें बर्बरता से पीटा जा रहा है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, न ही गाली गलौज किए। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भर्तियों में हुई धांधली से नौजवानों में गुस्सा है। नवंबर 2021 में हुई उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2021 में पेपर लीक हो गया। इस परीक्षा में 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। खबरों के मुताबिक परीक्षा का पेपर मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो गया। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि इसमें राज्य के करीब हर मोहल्ले या गांव के बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्हें बेरोजगारी और कोरोना के बुरे दौर में प्रशासनिक शिथिलता और धांधलियों का शिकार होना पड़ा था। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राइमरी के मास्टर तक की भर्ती में गड़बड़ी हुई है। ये भर्तियां इतनी बड़ी थी कि इससे हर मोहल्ले के परिवार पर असर पड़ा है। इन भर्तियों में गड़बड़ी के सभी अभ्यर्थी शिकार बने हैं, जो ईमानदारी से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे।